सेंट्रल पार्क स्थित लक्ष्मी विलास की भूमि पर गांधी म्यूजियम बनाने में जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव निरंजन आर्य, यूडीएस सचिव कुंजीलाल मीणा और जेडीसी गौरव गोयल को अवमानना को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। योगेश यादव की अवमानना याचिका पर आदेश दिए हैं। याचिका में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर 2010 और 7 जुलाई 2011 और 9 अप्रैल 2018 को आदेश दिए थे कि सेंट्रल पार्क की जमीन का दूसरा उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन राज्य सरकार यहां अब गांधी म्यूजियम बना रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी और योगेश टेलर ने पैरवी की। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री जगदीश चंद भल्ला एवं न्यायाधिपति श्री एम एन भंडारी साहब द्वारा संजय त्यागी याचिका में दिए गए फैसले के विरुद्ध सेंट्रल पार्क में लक्ष्मी विलास होटल का तोड़कर गांधी म्यूजियम एवं गांधी इंस्टीट्यूशन बनाए जाने के विरुद्ध एक कंटेम्प्ट याचिका योगेश यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसके अंदर याचिका में कहा गया कि न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि इस बिल्डिंग का उपयोग केवल पार्क के लिए किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध जाकर एक कॉलेज और इंस्टीट्यूशन बनाया जा रहा है, जिस पर आज माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के न्यायाधीश श्री महेंद्र मोहन श्रीवास्तव साहब एवं माननीय न्यायाधिपति श्री विनोद